लॉकडाउन के दौरान शनिवार को प्रातःकालीन महेवा सब्जी मंडी का सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मंडी में 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी ड्यूटी 3 शिफ्टों में बांटी गई है, जो सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हैं, जिससे कि मंडी में कहीं भीड़ ना लगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अब केवल 5% ही भीड़ रह गई है। उन्होंने बताया कि जो भी मंडी में गाड़ी लगती है पर्याप्त दूरी बनाकर लगती है, जिसके लिए मंडी के इंस्पेक्टर लगातार भ्रमणशील रहते हैं। इस मौके पर मंडी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल सब्जी मंडी फल थोक विक्रेता समिति के अध्यक्ष संजय शुक्ला और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, मेरा नाम है संजय शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल सब्जी फल थोक विक्रेता कल्याण समिति महेवा मंडी गोरखपुर। ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अगर कहा है कि लॉकडाउन के फार्मूले को पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों की एक ही मंशा है कि किसी भी तरीके से भीड़ संगठित ना हो, डिस्टेंस का पालन हो, और वो पालन कराने के लिए चूँकि मुझे अध्यक्ष हूँ उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है, मैंने भी कुछ आढ़तियों को जो है नियुक्त किया है और उनसे ये बार बार आढ़तियों से अपील किया जा रहा है कि आप अपने सामान को अगर सेल कर रहे हैं वितरित तो उसमें कम से कम आप ये करिए कि 1 मीटर की दूरी से उनको जो है आप लेन देन भुगतान करें। पल्लेदारों से सबको मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, 95% लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और अब स्थितियों पर काफ़ी जो है जैसे जैसे
लोगों का वो बन रहा है, ग्रुपता बन रही है, उससे काफ़ी सुधार हुआ है। और 10-15% जो कमियां हैं वो अनवरत एक दो दिन में और भी ख़त्म हो जाएंगी। और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन, जो डिस्टेंस है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, उसका पूर्णतः पालन कराने की कोशिश एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते मैं कर रहा हूँ। 28 सितंबर में किया जाता है और उसमें हमारी पूरी टीम रहती है, जिसमें एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट, मंडी का पूरा स्टाफ रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट 10 लगाए गए हैं, उनको भी निरीक्षण में शामिल रखा जाता है। ड्यूटी यहाँ पे रात में 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, उसके बाद 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, और 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, 3 शिफ्टों में बटी हुई है। 11 बजे से लेकर 9 बजे तक चूँकि बहुत ज़्यादा रश रहता है गाड़ियों का और सभी आरती उस समय आते रहते हैं, तो इसीलिए उस समय हमने 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं और उसके बाद और जगह पे और समय पे 2-2 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो बेसिकली इसमें निरीक्षण में यही हम लोगों ने कुछ नॉर्म्स 2-3 दिन पहले मीटिंग करके डिसाइड किए थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो सके उसका और साथ साथ भीड़ ना लगे, तो उसको लेते उसका अनुपालन कराया जा रहा है। और अलग अलग जो गल्ला मंडी है, सब्जी मंडी है और फल मंडी है, वहाँ पर अलग अलग मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है, जो है सुनिश्चित करते हैं किसी भी दुकान में भीड़ ना लगे। फुटकर विक्रेताओं को हटा दिया गया है यहाँ पर, फुटकर विक्रेता कोई भी यहाँ पर सब्जी नहीं बेच रहे हैं, तो इसीलिए भीड़ ऑटोमेटिकली कम हो गई है। पहले से भीड़ जो है वो 5% भी नहीं रह गई है। इसके अलावा जो भी गल्ला मंडी के साइड जो भी सब्जी वाले सब्जी लगा रहे थे, उनके बीच में पर्याप्त दूरी बनाई गई है और हर पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट और गार्ड्स तैनात कर दिए गए, साथ में मंडी इंस्पेक्टर्स लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि इस रात्रि भ्रमण से किसी प्रकार की भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कराया जा सके।